बिहार झारखंड में हूं आपके साथ अनुपमा झा। खरसावा गोलीकांड के 72 साल बीतने के बाद भी आज तक जख्म हरे हैं। माटी के पूतों की शहादत को लेकर पूरा कोल्हान नया साल नहीं मनाता। वीर शहीद आदिवासियों के नरसंहार को याद कर आज भी रूहें कांप उठती हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खरसावा शहीद स्मारक पर माटी के पूतों को श्रद्धांजलि दी और वादा किया कि शहीद हुए सभी आश्रितों को नौकरी देंगे, पीड़ित परिवारों को पेंशन दी जाएगी ताकि वो सम्मान की जिंदगी जी सके। आजादी के मतवालों को नमन, माटी के पूतों की शहादत को श्रद्धा सुमन, वीर शहीद आदिवासियों पर आंखें नम। नए साल पर जहां पूरी दुनिया जश्न मनाती है, वहीं कोल्हान में 1 जनवरी को काला दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आजादी के मतवालों को नमन किया जाता है, श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी कोल्हान में हजारों लोगों ने खरसावा के शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खरसावा शहीद मैदान में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री के साथ शहीदों को श्रद्धांजलि देने कोल्हान क्षेत्र के 9 नवनिर्वाचित विधायक भी पहुंचे। इनमें खरसावा विधायक दशरथ गगरई, सरायकेला विधायक चंपई सोरेन, मझगांव के विधायक नीरल पूर्ति, चक्रधरपुर विधायक सुखराम उराव, जमशेदपुर से बन्ना गुप्ता, चाईबासा विधायक दीपक बिरवा, ईचागढ़ विधायक सविता महतो और मनोहरपुर विधायक जोबा मांझी भी शामिल थे। वहीं पश्चिमी सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। आ गया है उनके सपनों को पूरा करने का और इस नई महागठबंधन की सरकार से मुझे विश्वास है कि जो सपने उन लोगों ने देखे थे कि हमारा झारखंड कैसा हो, यहाँ के लोगों का जीवन कैसा हो, अब वक्त आ गया है उनके सपनों को पूरा करने का, तभी इन्हें सच्ची श्रद्धांजलि हम दे सकेंगे। खरसावा फायरिंग को आजाद भारत में जलियांवाला बाग कांड के तौर पर जाना जाता है। इस नरसंहार की पूरी कहानी भी जान लीजिए। दरअसल केंद्र सरकार ने मयूरभंज, सरायकेला और खरसावा रियासत को ओडिशा में शामिल करने का फैसला किया था। आदिवासी खरसावा रियासत को ओडिशा में शामिल करने का विरोध कर रहे थे। 1 जनवरी 1948 को सत्ता का हस्तांतरण होना था। आदिवासी अलग झारखंड की मांग पर अड़े थे। 1 जनवरी 1948 को करीब 50,000 आदिवासी खरसावा हाट मैदान में एकत्रित हुए। कोल्हान समेत तमाड़, रांची, खूंटी, सिमडेगा से आदिवासी पहुंचे थे। आदिवासी महासभा की उस दिन 2 बजे से 4 बजे तक सभा हुई, लेकिन सभा खत्म होने के आधे घंटे बाद ही ओडिशा मिलिट्री ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस गोलीकांड में महिलाओं और बच्चों का भी नरसंहार हुआ। स्थानीय लोग मानते हैं कि लगभग 2,000 लोगों की मौत हो गई थी। 1948 के बाद से कोल्हान के आदिवासी खरसावा गोलीकांड की याद में 1 जनवरी को नववर्ष का जश्न नहीं मनाते हैं। आज भी वो जख्म भरे नहीं है जो 7 दशक पहले मिले थे। पारस और मदन की रिपोर्ट, जी मीडिया, सरायकेला।